फिटनेस इंडस्ट्री में शुगर और मैदा विलन थे ही, लेकिन इस कैटेगरी में एक और आइटम ऐड कर दिया जो कि है पाम ऑयल, जो कि पाम ट्री के फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पाम ऑयल इज अमंग द चीपेस्ट ऑयल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि ये एक हाई हिल प्लांट है जो कि बहुत कम लैंड एरिया यूज करता है फॉर कल्टिवेशन। देखो, पाम ऑयल इज 50% सैचुरेटेड फैट, जिसके कारण पाम ऑयल लंबे समय तक खराब नहीं होता। एंड रिमेनिंग पार्ट इज मूफा, जिससे यह एक हीट स्टेबल ऑयल भी बन जाता है। फूड इंडस्ट्री में बहुत कम ऑयल है जो नेचुरली सैचुरेटेड हो और हीट स्टेबल भी हो, उसमें से एक है पाम ऑयल। जहां तक की बात इसमें सैचुरेटेड फैट की, वो तो मिल्क, एग और घी में भी होता है। दोस्तों, क्या आप इनको भी खाना बंद कर दोगे? तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि मॉडरेशन इज द की। अगर आप सैचुरेटेड फैट को मॉडरेशन में कंज्यूम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, या वो पाम ऑयल हो या एनी अदर आइटम्स। पाम ऑयल ज्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस फूड में यूज किया जाता है, जैसे कि चिप्स, बिस्किट एंड इंस्टेंट नूडल्स। और दोस्तों, ये सब चीजें तो आपको वैसे भी लिमिट में कंज्यूम करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पाम ऑयल वेस्ट है और आप इसको डेली कुकिंग में यूज करने लग जाओ। दोस्तों, मैं खुद पाम ऑयल रेकमेंड नहीं करता, ये कहना कि ये पॉइजन है और इससे हार्ट अटैक आएगा, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। हमारे पास डेली कुकिंग के लिए बेटर और हेल्थियर ऑप्शंस है, जैसे कि मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल और लाइट ऑलिव ऑयल। आई होप इट्स हेल्प। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। तब तक के मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।